राशि के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ उपाय। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता को सिंदूर एवं श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस राशि की निसंतान महिलाओं को अहोई अष्टमी का निर्जल व्रत रखकर अहोई माता को लाल फूल अर्पण करना चाहिए। गुड़हल का फूल चढ़ाना शुभ होता है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को शिव जी को सफ़ेद चंदन अक्षत यानी कि चावल अवश्य चढ़ाने चाहिए। वृषभ राशि की महिलाओं को इस दिन अहोई माता को घी में बने सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। यह उपाय करने से आंगन में जल्द ही किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। मिथुन राशि। अहोई माता को दक्षिणा और लाल रंग की मिठाई देने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। इस राशि के जातकों को निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अहोई माता को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। लगातार 45 दिन तक ये उपाय करने से आपकी सुनी गोद हरी हो जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस दिन महामृत्युंजय की एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए और सिर से 11 बार नारियल उतार कर शिव जी के मंदिर में छोड़ कर आए, पीछे पलटकर ना देखें। महिलाओं को इस दिन उपवास रखकर अहोई माता को पूरी और मीठे पुए बनाकर भोग लगाना चाहिए और गरीब बच्चों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। यह उपाय करने से घर में जल्दी किलकारी गूंजती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को माता पार्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पण करना चाहिए, साथ में सफ़ेद मिष्ठान भी मां को अर्पण करें। इस राशि की निसंतान महिलाओं को निर्जल व्रत रखकर अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करना चाहिए और इसके बाद माता गौरी की सिंघाड़े से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान का योग बनता है और गोद हरी हो जाती है। कन्या राशि की महिलाओं को कार्यक्षेत्र में बरकत के लिए यथाशक्ति श्रृंगार सामग्री और गन्ने का रस मां को अर्पण करें। महिलाओं को इस दिन अहोई माता को सफ़ेद पुष्पों की माला पहनानी चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती है और वांछित फल की प्राप्ति होती है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को धर्म की वृद्धि के लिए खुद के साथ ही दूसरों को भी कथा सुनाएं और गुरु या फिर गायत्री मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें। इस राशि की महिलाओं को मां गौरी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पण करना चाहिए। सच्चे मन से संतान सुख की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए। माता की कृपा से सुंदर और सुयोग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की महिलाओं को भगवान शिव के पंचाक्षरी एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए तथा अखंडित चावल दान करना चाहिए। महिलाओं को निर्जला उपवास रखकर अहोई माता को पीले पुष्पों की माला अर्पण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन यह उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धनु राशि के जातकों को माता के लिए घर में बना हुआ मीठा पकवान पुआ या खीर अर्पण करना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होती है और आपके घर सुंदर संतान का जन्म होता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आलता यानी कि हाथ पैर में लगाया जाने वाला लाल रंग अर्पण करना चाहिए। साथ ही निसंतान महिलाओं को पूरे विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने के बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है। कुंभ राशि के जातकों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सिंदूर अर्पण करना चाहिए माता अहोई को और साबुत चने बंदरों को डालें। मीन राशि के जातकों को माता अहोई के लिए रस वाले फल अर्पण करना चाहिए। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन चांदी के 9 मोती लेकर उसकी माला बनाकर अहोई माता को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा रात को 12 बजे श्री राधा कुंड में अवश्य स्नान करना चाहिए तो वर्ष भर के अंदर ही उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजती है। इस दिन लाखों निसंतान महिलाएँ श्री राधा कुंड में मध्य रात्रि को स्नान करती है। उनके घर श्री राधा रानी की कृपा अवश्य बरसती है। वर्ष भर में उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती है। इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।